गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना पलक चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है एंड मैं अभी उठी हूँ। सो के बस ब्रश किया है और अभी कुछ नहीं किया है, चाय बनाने जा रही थी। मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बात कर लें, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और चाय बना लूँ। पहले पानी गर्म कर लूँ थोड़ा सा, फिर बनाती हूँ चाय। और क्या है ना, चाय पी लूँ ना सो के उठ के तो फिर थोड़ी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, इसलिए जब तक चाय नहीं पियो ना तो कुछ काम पर मन ही नहीं लगता है। सो सबसे पहले पी लेते हैं चाय। और सर्दी आज थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं बट हाँ फिर भी है। सो और आप लोग बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, एंड चाय पीते हैं बनाते हैं, है ना भाइयों? क्या करना है? तुम्हें भी चाय पीनी है? चाय पीनी है? क्यों पीनी है चाय? क्यों नहीं, चाय नहीं पीते? दूध पियोगे ना? हाँ ठीक है, तो बन जाने दो पहले। अभी बनी थोड़ी। हाँ तो अभी बनी नहीं, अभी बनी नहीं है चाय, अभी नहीं बनी चाय। अभी पहले मैं पानी गर्म कर लूँ थोड़ा सा, है ना? इधर आओ मेरे पास, इधर आ। उल्ले उल्ले पित्तू दिख ली बाबू की, पित्तू दिख ली बाबू की तो ले। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। आई बोल अच्छे से बोलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। ये तो साथ में ही उठ जाते हैं, जैसे ही मैं उठती हूँ ना और ये साथ में ही उठ जाते हैं। ओए ओए ओए, किसने लगाया ये, किसने लगाया है? पापा ने। पापा कैसे लगा सकते हैं? झूठ बोल रहे हो, गंदी बात होती है झूठ बोलना। हाँ क्या देखे, क्या देखे? चलो ठीक है, चलो इधर बैठो, तुम इधर बैठो। गैस पर गैस के पास बैठो, दूर देखो, गैस से दूर रहना है ना, है ना? पानी गरम हो गया है, अब चाय बनाएंगे अपन, है ना? क्या बनाएंगे? चाय। चाय पियोगे चाची में? चाय पीने। हाँ चाय पीने। क्या अभी थोड़ी बनाई है, बना रही हूँ। शक्कर दे दूँ? शक्कर चाहिए बाबू को, शक्कर चाहिए बाबू को, शक्कर चाहिए बाबू को। लो शक्कर नहीं खाते हैं ना, सर्दी हो जाएगी अभी। लो तुम्हें भी चाहिए? लो बाबू, बाबू चाय उठो ना, चाय पी लो। आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए, उठो जल्दी। ओए उठो ना, चाय पी लो, चाय चाय पियो, चाय उठो। पानी चाहिए? उठो तो पहले, उठ के तो बैठो, उठो। ठंडी हो रही ना चाय, पानी भी दे रहा है। पापा उठ गए, पापा उठ गए, उठ गए। ये ना अभी सुबह ड्यूटी से आए हैं, क्योंकि अभी नाइट ड्यूटी है ना, तो सुबह आए हैं और ब्रश वगैरह सब कुछ करके पानी भी भर के, है ना?
पानी में भरा था। नहा के पूजा कर, नहा भी लिया, पूजा कर, पूजा नहा भी लिया, पूजा भी कर ली, ब्रश कर लिया, और इसके बाद पहले पानी भी भर दिया, और क्योंकि ना जो मशीन चलती है ना पानी वाली, तो वो बंद हो जाती है, इसलिए पानी भी भर दिया। मैं सोती रही और ड्यूटी से आके इतना सारा काम कर लिया और फिर सो गए। कितना सारा काम कर लिया बाबू ने आके, पानी दे, पानी दे, हाँ चलो पानी दे पहले इनको पीने। तो यहाँ पर चाय पी के मैं लग गई हूँ काम में, और साफ सफाई करनी, वैसे साफ सफाई नहीं, झाड़ू पोछा करना है जो सुबह होता है वही सब। तो बस यही सब चल रहा है यहाँ पे, साफ सफाई, और क्योंकि सुबह से उठ के ना झाड़ू पोछा तो करना ही होता है। और बाबू खेल रहे हैं यहीं पे, देखो कितने बंदर जैसे कूद रहे हैं बाबू, तो पूरे बंदर ही हो रहे हैं। और जब भी मैं काम करती हूँ या फिर रिकॉर्डिंग करूँगी तो ये ना ऐसे ही मस्ती करता है। और थोड़ी थोड़ी सर्दी है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, फिर भी ये ना स्वेटर जो पहनता है उसकी चेन कभी लगाता ही नहीं है, इतनी मस्ती करता है, बार बार खोल लेता है, मैं लगा देती हूँ वो बार बार खोल लेता है। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा चल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को कपड़े दिख रहे हैं ना, तो ये कपड़े धुले हुए रखे हुए हैं, इनको तय करके रखना है। तो अभी मैं थोड़ी देर से करूँगी, पहले झाड़ू पोछा कर लूँ फिर इसके बाद में। और बाबू तो ड्यूटी करके आके सो रहे हैं, सो और यहाँ पे देखो इनकी साइकिल आ गई है, अभी यहीं पे चलाएंगी साइकिल, बाहर ले जाके तो नहीं चलाती हैं लेकिन घर में ही चलाती हैं साइकिल। और फिर अच्छा भी है, बाहर है ना बच्चे चलाने नहीं देते हैं साइकिल, तो इसलिए वो बाहर लेके ही नहीं जाती, जब मैं बाहर रहती हूँ तभी वो बाहर साइकिल चलाती है, नहीं तो फिर वो अंदर ही चलाती है। और ऐसी इनकी दोनों की मस्ती चलेगी यहाँ पे, एक बैठेगा दूसरा उसको पीछे से धक्का मार चला धक्का देगा फिर वो साइकिल चलेगी। ऐसी पलक तो चला लेती हैं, बाबू को नहीं आती है साइकिल चलाना, तो और चलाते चलाते ना पता नहीं क्या हो गया, तो आगे का जो चक्का है ना उसका वो सामान ही निकल के फेंक गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। सो साइकिल भी ख़राब हो गई आज, और बाबू और पलक की चल रही है मस्ती। चलो आप लोग एंजॉय करो, फिर इसके आने आप लोगों से मिलते हैं। पर मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि जो रखे थे ना कपड़े मैंने दिखाए थे अभी कुर्सी पर, तो उन्हीं को तय करके रख देती हूँ। और क्योंकि धुले हुए कपड़े थे और इकट्ठे रख दिए थे ना तो अच्छे नहीं लग रहे थे, और ये ना दोनों यहीं पे मस्ती करेंगे, इनसे बोल रही हूँ बाहर चला लो साइकिल, लेकिन नहीं चलानी, घर में ही चलानी है। सो और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं ना बहुत धीरे धीरे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बाबू अभी सो रहे हैं इसीलिए, और आप लोगों को बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही होगी, बच्चे खेल रहे हैं तो इसीलिए। और ये देखो मैंने बोला था ना कि साइकिल इन्होंने ख़राब भी कर ली, तो ये देखो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कुछ सामान, इसका गिर गया है। तो आज तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ के मैकेनिक बन चुकी हूँ नहीं तो बाबू सुधार देते हैं वैसे साइकिल, अब वो सुधारेंगे, पता नहीं कब सुधरेगी।
और जब तक साइकिल सही रहती है ना तो पलक नहीं चलाती हैं, जैसे बिगड़ जाती है तो फिर उनको चलानी पड़ती है, फिर वो चिल्लाती हैं मम्मा साइकिल सुधरवा दो, पापा साइकिल सुधार दो, ऐसे करते हैं। तो मुझसे तो नहीं हो रहा है क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइट थी वो आगे से, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है। तो अब बाबू ही सुधारेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो मैं उनको चिल्ला रही थी कि कहाँ पे कर दिया इसका सामान तो बताओ, लेकिन अब बच्चे क्या उनको कहाँ पता होगा कि कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैंने रख दी है साइकिल और कपड़े वपड़े भी तय हो चुके हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे, तो जो रात में बर्तन साफ किए हुए थे ना वही रखे हुए थे, इनको यहाँ पे मैंने जमा के नहीं रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बर्तन लगा देती हूँ। सो यहाँ पे लगा देते हैं बर्तन। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चलो आप लोग एंजॉय करो, फिर इसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर काम वाम करके मैं गई हुई थी छत पर, और ये है ना छत पर पीछे साइड से खेत लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और मेरा जो मोबाइल का कैमरा है ना पीछे साइड का पता नहीं क्या ख़राब हो गया है। सो यहाँ इसमें ना धुंधली धुंधली वीडियो आती है और साफ वीडियो नहीं आती है। तो कहीं कहीं आप लोगों को दिखता होगा हर वीडियो में, जैसे मैं बैक कैमरा से वीडियो लेती हूँ ना तो उसकी थोड़ी धुंधली वीडियो आती है। सो उसका कैमरा ख़राब हो चुका है, तो उसकी वजह यही है। और आप लोगों को बहुत सारी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी है ना, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अब सुबह का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो अभी डालना है इसलिए। और तो ये कुछ खेत के नज़ारे आप लोग एंजॉय करो। मैंने थोड़ी सी वीडियो ही रिकॉर्ड की थी, ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी खेतों वेतों की। और ये देखो बाबू सीढ़ी उतर के जा रहे हैं, जीना उतर के, और इनको डर लगता है उतरने में तो ऐसे बैठ बैठ के उतर रहे थे। देखो उनकी पज्जी नीचे हो गई। सो आप लोग इग्नोर करना, छोटा सा बच्चा है ना, कोई नहीं। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।